लीजिए, आपकी मंगेतर आपकी नजरों के सामने है, आपने जो कहना है कह लीजिए। क्या आप तो जाएं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आप भी क्या याद करेंगे, क्या सखी साली से पाला पड़ा था। मश्क मुश्क में आप यहाँ क्यों आए? वो आपकी सिस्टर ही लेकर आई थी मुझे। वो एक्चुअली मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया था। थैंक यू। और मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मुझे बहुत पसंद आई हैं। मिलते नहीं देखेंगे? खोलूंगी बाद में। मैं चलूं? आप जी बिल्कुल। भी कैसा जज्बा है, जब बेदार होता है तो जिंदगी के मानी बदल जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं मैं। मुझे तो बस ना उस दिन का शिद्दत से इंतजार है, जब वो हमारे घर आएंगे, अम्मी जी और अब्बू जी से तुम्हारा हाथ मांगेंगे। कितना मजा आएगा जब तुम्हारी शादी होगी। खुशी के मौके पर आंसू बहाना अच्छे नहीं लगते। जब इर्द गिर्द अपने इतने खुश हो तो आंसुओं को अंदर उतार लेते हैं, बाहर गिरने नहीं देते। अंबर और आपा ने अगर आपको इस तरह देखा तो उन्हें दुख होगा। नसीहत करना आसान होता है इस्माइल, दिल पे सहना बहुत मुश्किल होता है। दिल दुखी हो, आंखों में आंसू ना आए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, को बच्चों का खेल नहीं है। और आपको क्या पता, आप क्या जानते दिल टूटने का दुख क्या होता है। जानते हैं, आज मैं भी बहुत दुखी हूं। मेरा दिल भी किसी गोशे में चुपके से आंसू बहाने के तकाजे कर रहा है। मेरा दिल भी रोने का चाह रहा है। लेकिन मौका नहीं है। अपनों की खुशियों को नजरअंदाज करके अपना गम मनाने का मौका नहीं। इस्माइल सुनिए, आज ऐसा क्या हो गया जो आप दुखी हैं? आज गीती की बरसी है।